हेलो बच्चों, 31 दिसंबर खत्म हो गया, जून आने वाला है और जून में एग्जाम्स हैं। और अब हम सब कंफ्यूज हैं कि यार पढ़ाई कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखिए, आज से अगर मैं आज की डेट देखूं तो आज है 5 जनवरी। 5 जनवरी से हम सबको ऐसा लगता है कि यार अभी तो एग्जाम में 6 महीने हैं, जून में एग्जाम है, एक दिन का चीटिंग कर लो, 2 दिन का चीटिंग कर लो, चलो यार उसकी शादी में जाना है तो शादी में जाके आते हैं, चलो यार वहां पार्टी करते हैं, यार एक दिन है क्या जाता है, एक दिन, अभी तो अपने पास 180 दिन है, 6 महीने है। ऐसा होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं। एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, शिप कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी विशाल हो, एक छोटा सा छेदा, एक छोटा सा छेद उस शिप को डुबाने के लिए काफी होता है। बिल्डिंग कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक कमजोर पिलर, एक छोटी सी दरार उस पूरी बिल्डिंग को गिराने के लिए काफी होती है। एक एक दिन, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, एक एक दिन, 1 जून या जो आपका एग्जाम का डेट है, आईसीएसआई ने टाइम टेबल दे दिया है, मैंने देखा नहीं है, एक एक दिन आपके लिए बेशकीमती है। बिलीव मी, बिलीव मी, एक दिन का भी रेस्ट आपको लेना नहीं है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि 6 दिन अगर आपकी पढ़ाई होती है तो आप संडे को जितना आप नॉर्मल पढ़ते हैं आप उसका आधा पढ़ाई करें तो भी चलता है। बट उसके लिए जरूरी ये है कि 6 दिन की पढ़ाई बहुत जरूरी है, 6 दिन निरंतर आपको पढ़ना है बिना किसी फेलियर के। और प्लीज बच्चों एक चीज याद रखिए, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, चीटिंग मत कीजिए। क्योंकि आप सोचेंगे कि यार एक दिन का छुट्टी मार ले, एक दिन चलो यार एक दिन नानी के घर जाके आ जाते हैं, एक दिन दादी के घर पे जाके आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप फेल हो जाएंगे ना तो आपको सबसे ज्यादा दुख होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अपना जो प्रोफेशनल कोर्स है, आप ही इमेजिन कीजिए कि एक दिन में आप कितना सारा पढ़ सकते हैं यार। जैसे कि अभी जो जैसे मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे बच्चे जो आईकेन एकेडमी में है वो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, लगभग 60 से ज्यादा बच्चे दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर करेंगे। तो जब मैं कहूं कि दोनों ग्रुप, और मेरे ख्याल से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, कहीं ना कहीं आप दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर करने वाले हैं या तीनों ग्रुप्स के लिए अपियर करने वाले हैं। वैसे आईसीएसआई ने तो सीएस प्रोफेशनल में बच्चों को तीनों ग्रुप देने के लायक छोड़ा नहीं है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट ठीक है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि जो खासकर एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं, आप लोग दिन वेस्ट मत कीजिए यार। एक दिन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक दिन में लगभग, मतलब आप मान लीजिए अगर कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर आपके 400 पेज के नोट्स हैं या 600 पेज की मॉड्यूल है, जो लोग मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, आप कम से कम 40 या 50 पेज कंप्लीट कर सकते हैं, 60 पेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक दिन का ब्रेक, आपका वो 60 पेजेस का लॉस है। और वो लॉस छोड़ दीजिए यार, एक दिन आप नानी के यहाँ गए, दादी के यहाँ गए, शादी में गए, पार्टी में गए, मुझे एक चीज बताइए, वहां से वापस आने के बाद आप जब पढ़ाई करेंगे तो क्या सोचेंगे, यार वो क्या लड़की थी यार, शादी में मजा आ गया देख के, यार मैं उसको मैसेज करूं, यार उसका नंबर कहाँ से मिलेगा, यार फेसबुक पे ढूंढूं, ऐसा होता है क्या? और लड़कियां, यार वो पार्वती ने ड्रेस इतनी मस्त पहनी थी, उसने कहाँ से खरीदी वो ड्रेस, यार देखना पड़ेगा, चलो गूगल पे सर्च करते हैं, अमेजोन पे सर्च करते हैं। यार कुल मिला के अपना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, भले ही वो आपका एक दिन वेस्ट हुआ, बट उस एक दिन के चक्कर में आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और अपने लिए एक एक मिनट कीमती है। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज टू अवर सेल्फ। सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे, आई डोंट नो आज भी हो, ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो 4 बजे सुबह सोकर उठे हों, सॉरी ना उठे हों, रोज उनका नियम था कि वो 4 बजे सोकर उठते थे और अपने नेट्स पे पहुंच जाते थे। डजेंट मैटर कि उनको आज उनका फाइनल मैच है या आज उनका मैच नहीं है। तो यार जब सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दे, तो मैं क्यों दूं यार? और ये सोच के कि 6 महीने, ये 6 महीने कितने जल्दी निकलेंगे तो मुझे समझ में आने वाला है ही नहीं। वो बचपन में ना एक कहानी सुनते थे हम, कि वो खरगोश था और कछुआ था और दोनों की दौड़ होती है, तो खरगोश ना बीच में बहुत फास्ट निकल जाता है और बीच में रेस्ट करने बैठ जाता है, ये सोच के कि कछुआ बहुत पीछे है, और खरगोश सो जाता है और कछुआ धीरे 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 करके आगे निकल जाता है। यस, तो आप खरगोश मत बनिए, कछुआ बनिए। कछुआ बनिए मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, और आपको रोज जो अपना स्टडी स्केड्यूल है, मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, जो आपका स्टडी स्केड्यूल है आपको वो तोड़ना नहीं है। यू आर नॉट सपोज टेक अ ब्रेक इवन फॉर वन डे, प्लीज ध्यान में रखिए, एक दिन का भी आपने ब्रेक लेना नहीं है।
आपकी क्लासेस खत्म हो गई होंगी, जहां तक मेरा मानना है। रोज आपको पढ़ाई करना है। अगर आप सोचते हैं कि आपको पढ़ना है, आपको रैंक लाना है, आपको सिंसियरली एग्जाम क्लियर करना है, सो डू नॉट टेक अ ब्रेक। स्टडी एवरी डे एवरी डे एवरी डे। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? कई बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स लें, या फिर दो सब्जेक्ट करें, तीन सब्जेक्ट करें एक दिन में। बच्चों, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके सोचते हैं। जैसे मैं जब अब पढ़ाई करता था, तो मैं जैसे कंपनी, आठ सब्जेक्ट थे हमारे भी एग्जीक्यूटिव में, तो जैसे मैंने आज कंपनी लॉ उठाया है, जैसे ही मैंने आज कंपनी लॉ उठाया है, तो मैं क्या करता था, सुबह आई थिंक 6 बजे या 7 बजे से मैं पढ़ना शुरू कर देता था, या 6 बजे मान लीजिए, तो मैं 6 बजे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ये मेरे 8 घंटे होते थे पढ़ने के। 8 घंटे में से मैं 1 घंटे सो जाता था, लाइब्रेरी में नींद आती थी, बाकी 7 घंटे तो मैं सिंसियरली पढ़ता था। 2 से 4 का ब्रेक लेने का, 2 से 4 में अच्छा खासा ब्रेक लेता था, और फिर आई थिंक 4, 4:30 बजे में पढ़ना फिर से शुरू करता था, और 8 बजे तक पढ़ता था। बस 8 बजे के बाद फुल मस्ती, हर मस्ती करने का कब, 8 बजे के बाद। 8 से 11 में मस्ती, 11 बजे सोना, फिर 5 बजे उठना, 6 बजे वही रूटीन फॉलो करना। तो मैं ऐसा करता था। तो मेरा कंपनी लॉ जो है, फर्स्ट टाइम में मुझे लगता था 7 दिन, सेकंड स्टडी में, सेकंड रीडिंग में लगता था 4 दिन, थर्ड रीडिंग में लगता था 3 दिन, फोर्थ रीडिंग में 2 दिन, और मेरे हिसाब से जो लॉ के सब्जेक्ट है, चूंकि मैं लॉ पढ़ाता हूं, इसे लॉ के बारे में मैं अच्छे से बता सकता हूं, एग्जाम तक कम से कम 4 रीडिंग होनी चाहिए। एग्जाम तक 4 रीडिंग कम से कम होनी चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट आया था अभी मुझसे मिलने के लिए, साहिल करके, तो उसने अभी सीएस फाइनल का एग्जाम दिया, और उसने बोला कि सर मेरे पेपर बहुत अच्छे गए। तो मैंने साहिल से पूछा कि यार, साहिल मोगे उसका नाम है, और मैंने साहिल से पूछा, बहुत प्यारा बच्चा है, तो मैंने साहिल से पूछा कि साहिल तूने तेरे पेपर कैसे गए? तो उसने बोला सर मेरे सीएस फाइनल के सारे पेपर अच्छे गए, और मैं 200% पास हूं, भगवान ने चाहा तो रैंक भी आ जाएगी। तो मैंने बोला तू क्या मैसेज देना चाहेगा बच्चों को? तो उसने एक ही चीज कही कि सर थ्योरी सब्जेक्ट्स में बस एक ही कुंजी है सफलता की, कि आप जितनी बार पढ़ सकें, जितना ज्यादा पढ़ सकें, उतना अच्छा होता है। तो क्या करने का यार, जितना ज्यादा हो सके ना, उतना रीड करने का, रीड करने का, रीड करने का। एक सब्जेक्ट अगर आपने दिन में उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 घंटे 8 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लें, और 2 घंटे आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लें, जैसे FM उठा सकते हैं, 3 दिन FM कर लिया, 3 दिन कॉस्ट कर लिया। टैक्स का जो थियोरी है वो आप कुछ मॉर्निंग में एक पढ़ सकते हैं, मतलब एक एक दिन भी देने का, बट अगर आपको बोर होता है तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे अपने स्केड्यूल में। बट दोस्तों, पढ़ना रोज है, पढ़ना रोज है, कोई माफी नहीं है, क्योंकि अपने सपने बड़े हैं, अपने को कुछ लाइफ में बड़ा करना है। ऑर्डिनरी जीवन जीने के लिए अपन पैदा हुए नहीं है। मैं आया था तो भाई मैं रो रहा था, सब हंस रहे थे कि भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं ना, तो लोग रोएं और मैं हंसता हुआ जाऊं कि मैंने लाइफ में ना कुछ अच्छा किया है, सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी है। जो सोचता था मन में वो खरीदा है। जितने लोगों को मैं अपने पैसे के थ्रू, अपने स्टेटस के थ्रू खुशी दे सकता हूं, दी है मैंने, और मैं भी खुश हूं, कुछ करके जा रहा हूं। तो दोस्तों, रुकना नहीं है, यही बड़ा विजन लेके अपने को आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। तो दोस्तों, पढ़ाई होनी चाहिए रोज। अच्छा, एक और चीज, इस एग्जाम में, चलिए इस वीडियो में तो मेरे ख्याल से 8 मिनट का वीडियो हो गया, लंबा हो गया, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस एग्जाम में जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई वो क्या थी, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू।